उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। और इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज की ये समरी आप सभी के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं समरी ऑफ विवेकानंद अ बायोग्राफी, जिसे लिखा गया है स्वामी निखिलानंद द्वारा। तो आइए जानते हैं इस किताब के बारे में। अच्छा ये बताइए, क्या आपने भगवान को देखा है? कुछ इसी तरह के सवाल अक्सर स्वामी विवेकानंद पूछा करते थे जब वो बच्चे थे। उन्होंने दुनिया की हर सुख सुविधा देने वाली चीज को छोड़ दिया था। सिर्फ एक डंडे और कटोरे के साथ उन्होंने पूरे इंडिया की सैर कर ली थी। वो भगवान को देखना चाहते थे और वो जल्दी ही इसमें सफल भी हो गए। इस बुक में आप स्वामी विवेकानंद की जिंदगी के बारे में पढ़ेंगे। वो जब बच्चे थे तो कैसे थे, वो कैसे इतने महान लीडर बने, उनमें ऐसा क्या था जो अमेरिका में सब उन्हें इतना पसंद करते थे, क्या है उनकी कहानी, उनके गोल्स, और क्यों उन्हें आज भी इतना याद किया जाता है। इस बुक में आप ये सब और साथ ही ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब भी जानेंगे। और अपनी खोज में स्वामी विवेकानंद ने अक्सर खुद को अकेला, भूखा और किसी न किसी सोच में खोया हुआ महसूस किया। उनके पास बस उनका विश्वास था कि उन्हें जो चाहिए वो उन्हें जरूर मिलेगा। और एक दिन उन्होंने भगवान को देख लिया, उन्हें अपनी लाइफ का गोल मिल गया था, उन्हें साफ पता था कि उन्हें क्या चाहिए और जल्द ही उन्होंने उसे अचीव भी कर लिया था। स्वामी विवेकानंद ने हमेशा अच्छा काम ही किया था, शायद इसीलिए उनके पास खुद अच्छी चीजें आ जाती थी। तो आइए अब बात करते हैं शुरुआती दिनों की। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में मकर संक्रांति के दिन हुआ था। मकर संक्रांति जो कि एक फेस्टिवल है, उस दिन गंगा नदी के किनारे बहुत से लोग पूजा करने आते थे। स्वामी जी के घर से उन सब की पूजा और आरती की आवाज सुनाई दे रही थी। उनकी मदर भगवान पर बहुत विश्वास करती थी, वो बहुत पूजा पाठ किया करती थी ताकि उन्हें एक ऐसा बेटा मिले जो उनकी फैमिली का नाम ऊंचा कर सके। एक दिन उनकी मदर भुवनेश्वरी देवी ने सपने में भगवान शिव को देखा। उन्होंने देखा कि भगवान उनसे कह रहे थे कि वो उनके बेटे के रूप में जन्म लेंगे और ये सुनकर के वो बहुत खुश हो गई। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे, इसीलिए भुवनेश्वरी ने अपने बेटे का नाम वीरेश्वर, जो कि भगवान शिव का एक और नाम है, वही रखना चाहती थी। लेकिन उनकी फैमिली ने स्वामी जी का नाम नरेंद्रनाथ रखा। उन्हें सब प्यार से नरेन कहकर बुलाते थे। किसे पता था कि नरेन बड़े होकर के स्वामी विवेकानंद बनेंगे जिनकी सब इतनी रिस्पेक्ट करेंगे। हिंदू रिलीजन के लिए उनका लगाव बचपन से ही साफ साफ दिखाई देता था। उनका जन्म कलकत्ता के दत्ता परिवार में हुआ था और उनके परिवार में सब बहुत इंटेलिजेंट और पढ़े लिखे थे और हमेशा दूसरों की मदद करते थे, जिसकी वजह से उनका बहुत नाम था, सब उनको बहुत मानते थे। नरेन के फादर कलकत्ता हाई कोर्ट में लॉयर थे। नरेन अपने फादर की तरह कम और अपने ग्रैंडफादर की तरह ज्यादा थे। उनके फादर को सब सुख सुविधाएं अच्छी लगती थी, मगर नरेन को साधु के जैसे सिंपल रहना बहुत पसंद था। उनके जीवन की पहली टीचर उनकी मदर थी। उन्होंने नरेन को अल्फाबेट और कुछ इंग्लिश के वर्ड सिखाए थे। वे उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियां भी सुनाती थी। छोटे नरेन को राम जी की कहानी बहुत पसंद थी। उन्हें राम एक हीरो की तरह लगते थे जिन्होंने अपनी वाइफ सीता को बचाने के लिए लड़ाई तक कर ली थी। नरेन सब बच्चों से अलग थे, शायद इसीलिए उन्हें सपने भी सबसे अलग आते थे। उन्हें लगता था कि हर बच्चे को ऐसे सपने आते होंगे और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार उन्हें सपने में एक चमकता हुआ बॉल दिखाई दिया जिसमें से बहुत रोशनी निकल रही थी और जिसका रंग बदलता ही जा रहा था। वो बॉल धीरे धीरे और बड़ा हो रहा था और एक पॉइंट पर आकर के वो फूट गया। फिर उससे निकलने वाली व्हाइट रोशनी उनके ऊपर गिरने लगी और उन्हें पूरी तरह से ढक लिया। छोटी उम्र में भी वो लोगों पर अलग अलग रिलीजन जैसे कि हिंदू, मुस्लिम और अमीर गरीब में भेदभाव करने के लिए सवाल उठाते थे। एक दिन उन्होंने अपने फादर के ऑफिस में टबैको पाइप का एक बॉक्स देखा। ये उनके फादर के क्लाइंट्स के लिए था और अलग अलग हिंदू कास्ट के लिए एक बॉक्स और मुस्लिम के लिए अलग बॉक्स रखा था। नरेन ने हर बॉक्स में से टबैको पाइप लेकर के ट्राई किया। उनके फादर ने जब ये देखा तो उन्हें बहुत डांटा,
पर नरेन ने कहा कि मुझे तो इनमें कोई फर्क दिखाई नहीं देता। नरेन को हमेशा हर बात जानने की इच्छा रहती थी। एक बार उन्होंने फादर से पूछा, आपने मेरे लिए क्या किया है? उनके फादर बहुत समझदार थे। उन्होंने नरेन को दर्पण में खुद को देखने के लिए कहा और बोले, अपने आप को इस दर्पण में देखो तो समझ जाओगे कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है। उन्होंने फिर एक दिन पूछा, पिताजी मुझे अपनी कैसी इमेज को दुनिया के सामने रखना चाहिए? उनके फादर ने कहा, बेटा कभी किसी चीज को देखकर सरप्राइज मत होना। यही कारण था कि नरेन ने सीखा सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। जब वे मंक बन गए, यानी कि जो साधु की तरह रहते हैं, तब चाहे वो किसी राजा के महल में जाते थे या